हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फिजिकल एजुकेशन होम। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी आने वाली इसी तरह की हर नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। दोस्तों, इस वीडियो का हमारा टॉपिक है द मस्कुलर सिस्टम। मैं सबसे पहले आपको मसल्स क्या होती हैं उसके बारे में बताऊंगा और उसके बाद मसल्स कितने टाइप की होती हैं, यानी मसल्स का क्या क्लासिफिकेशन है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज मसल। मसल हमारी बॉडी का वो ग्रुप ऑफ टिश्यू होता है जिसका प्राइमरी फंक्शन होता है सोर्स ऑफ पावर थ्रू कॉन्ट्रैक्शन एंड इरेक्शन। यानी मसल्स का जो प्राइमरी फंक्शन है वो पावर जनरेट करना है कॉन्ट्रैक्शन और इरेक्शन के थ्रू। ह्यूमन बॉडी के अंदर अराउंड 650 इंडिविजुअल मसल्स होती हैं जो हमारी बॉडी को पुलिंग पावर प्रोवाइड करती हैं ताकि हमारी बॉडी मूवमेंट कर सके। हमारी बॉडी के अंदर जो टोटल मसल्स होती हैं वो हमारे बॉडी वेट का अराउंड 40% होती है। तो दोस्तों, ये मैंने आपको मसल्स के बारे में बताया। अब बात करते हैं मसल्स कितने टाइप्स की होती हैं, क्लासिफिकेशन मसल्स का क्या है। दोस्तों, मसल्स को उनके फंक्शन के अकॉर्डिंग, उनके फिजिकल अपीयरेंस के अकॉर्डिंग और उनकी लोकेशन के अकॉर्डिंग क्लासिफाई किया गया है। मसल्स 3 टाइप्स की होती है, स्केलेटल मसल्स, स्मूथ मसल्स और कार्डियक मसल्स। तो सबसे पहले मैं आपको डिटेल में बताता हूँ स्केलेटल मसल्स के बारे में। स्केलेटन मसल्स अटैच होती है हमारे स्केलेटन से, ये हमारे स्केलेटन के अपर सरफेस से अटैच होती हैं। इन मसल्स के कुछ एग्जांपल हैं जैसे चेस्ट मसल्स, बैक मसल्स, बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, शोल्डर, लेग्स, हैंड या एब्डोमिनल पार्ट वाली जो मसल होती हैं, ये सभी स्केलेटन मसल्स हैं। जो स्केलेटन मसल्स होती है वो टेंडन की हेल्प से हमारी बोन से अटैच होती है। टेंडन एक तरह का कनेक्टिव टिश्यू होता है जो हमारी बोन को मसल से जोड़ता है। स्केलेटल मसल जो होती है वो हमारी बोन से मिलकर एक लीवर सिस्टम बनाती है जिसकी वजह से हम मूवमेंट कर पाते हैं, चल फिर पाते हैं। मतलब हमें कोई भी बॉडी में मूवमेंट करना हो तो वो मेनली स्केलेटल मसल से ही होती है। स्केलेटल मसल्स का जो नेचर होता है वो वॉलंटरी होता है। वॉलंटरी मसल्स मतलब वो मसल्स जिन पर हमारा पूरा कंट्रोल हो, हम जब चाहे अपनी स्केलेटल मसल्स की हेल्प से अपनी बॉडी को मूव कर सकते हैं, तो इसीलिए इन्हें बोलते हैं वॉलंटरी मसल्स। स्केलेटल मसल्स को सोमेटिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है जो कि एक पार्ट है हमारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का। इसके बारे में हम द नर्वस सिस्टम में और डिटेल में पढ़ेंगे। स्केलेटल मसल्स जो होती है वो स्ट्राइटेड मसल्स होती है। अब होता यह है कि जब हम स्केलेटल मसल्स को माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो स्केलेटल मसल्स के जो टिश्यू होते हैं वो एक लाइट एंड डार्क कलर के सेगमेंट में दिखते हैं और इसी लाइट एंड डार्क कलर के सेगमेंट को हम स्ट्राइएशन बोलते हैं। जिस मसल में ये स्ट्राइएशन होती है उन मसल को स्ट्राइटेड मसल बोला जाता है और इसी वजह से स्केलेटल मसल को स्ट्राइटेड मसल भी कहते हैं। तो ये आप नाम ध्यान रखें, स्ट्राइटेड मसल। इस तरह के क्वेश्चन कॉम्पिटिशन में भी पूछ ले जाते हैं कि स्केलेटल मसल का दूसरा नाम क्या है या स्ट्राइटेड मसल कौन सी होती है, तो आप ये नाम भी ध्यान रखें। तो ये थी स्केलेटल मसल्स। अब बात करते हैं स्मूथ मसल्स की। स्मूथ मसल एक ऐसी टाइप की मसल होती है जो हमारी बॉडी के अंदर होती है। जो हमारा स्केलेटन होता है उसका जो अंदर वाला पार्ट है उसके अंदर स्मूथ मसल्स पाई जाती हैं। ये स्मूथ मसल्स हमारे अपर बॉडी सरफेस पे विजिबल नहीं होती, जैसे कि स्केलेटन मसल हमारे अपर बॉडी सरफेस पे विजिबल होती है, ऐसे स्मूथ मसल्स अपर बॉडी सरफेस पे विजिबल नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, स्टमक, इंटेस्टाइन, ब्लैडर, लंग्स वगैरह वगैरह, ये सभी क्या है, स्मूथ मसल से मिलकर ही बने हैं हमारे इंटरनल ऑर्गन्स। तो जो भी इंटरनल ऑर्गन्स हैं हमारी बॉडी में वो सभी स्मूथ मसल से मिलकर बने हैं। स्मूथ मसल का नेचर इनवॉलंटरी होता है। इनवॉलंटरी मतलब ये हमारे कंट्रोल में नहीं होती, इन्हें हम अपनी मर्जी से हिला डुला नहीं सकते। जैसे हमारी लंग जहां पर है वो वहीं रहेगी, ऐसा नहीं है कि हम चाहें तो अपनी लंग को उठा के इधर से उधर करते, ऐसा हम नहीं कर सकते। जबकि स्केलेटल मसल के साथ हम ऐसा कर सकते थे, तो स्मूथ मसल में ऐसा नहीं कर सकते हम। स्मूथ मसल जो होती है वो नॉन स्ट्राइटेड मसल होती है। जिस तरह से स्केलेटल मसल में लाइट एंड डार्क सेगमेंट होते थे, उस तरह से स्मूथ मसल में लाइट एंड डार्क सेगमेंट नहीं होते, इस वजह से ये नॉन स्ट्राइटेड मसल है। ठीक है, तो ये थी स्मूथ मसल्स। अब बात करते हैं थर्ड एंड लास्ट क्लासिफिकेशन ऑफ मसल्स, कार्डियक मसल्स। जो हमारे हार्ट की मसल्स होती हैं, ये एग्जाम्पल हैं हमारे कार्डियक मसल्स का। जो हमारे हार्ट की मसल्स हैं
ये एक यूनिक टाइप की मसल होती है जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट होती है। ये सभी मसल से टोटली डिफरेंट होती है, इसीलिए इसे एक अलग क्लास दी गई है, इसे अलग कैटेगरी में रखा गया है। जो कार्डिक मसल होती है ये ना तो स्ट्राइटेड होती है और ना ही नॉन स्ट्राइटेड होती है, लेकिन ये इन दोनों के बीच में फॉल करती है, इसीलिए हम इसे ब्रांच स्ट्राइटेड मसल भी बोलते हैं। क्योंकि होता यह है कि जो लाइट एंड डार्क कलर के सेगमेंट हमारे स्केलेटल मसल में थे, जो रेगुलर थे वहां, वो यहाँ रेगुलर नहीं होते हैं। जैसा कि आप इन इमेजेस को कंपेयर करके देख पा रहे होंगे, यहाँ पर जो स्ट्राइरेशन है ये रेगुलर नहीं है, ये स्कैटर्ड है। जैसे एक पेड़ की ब्रांच होती है, ये सेम उसी टाइप से है, मसल टिश्यू में फैला हुआ है ये। इसीलिए जो कार्डियक मसल होती है इसे हम ब्रांच स्ट्राइटेड बोलते हैं। कार्डियक मसल का जो नेचर होता है वो इनवॉलंटरी होती है, मतलब इसे हम अपने कंट्रोल से नहीं चला सकते। फॉर एग्जांपल, जो हमारी नॉर्मल हार्ट बीट होती है वो 72 बीट्स पर मिनट होती है, इसको हम अपनी मर्जी से कम ज्यादा नहीं कर सकते। हाँ, ये अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग कम ज्यादा हो सकती है, जैसे वर्कआउट के बाद हमारी हार्ट बीट ज्यादा हो जाती है, वर्कआउट के बाद धीरे धीरे वो नॉर्मल में आ जाती है, लेकिन सिचुएशन के अकॉर्डिंग होती है, दोबारा से नॉर्मल में आ जाती है। ऐसा नहीं है कि हम जब चाहें अपनी हार्ट बीट बढ़ा लें, जब चाहें अपनी हार्ट बीट घटा लें, तो ऐसा हम इनके साथ नहीं कर सकते, जबकि हम स्केलेटल मसल्स के साथ ऐसा कर सकते थे, लेकिन इनके साथ हम ऐसा नहीं कर सकते। तो दोस्तों, ये हो गया हमारी मसल्स का क्लासिफिकेशन। मैं आपको एक बात और बता दूं, जो हमारी स्केलेटल मसल्स है उन्हें ट्रेनिंग करके, फिजिकल एक्टिविटी करके, जिम एक्सरसाइज करके, वर्कआउट करके हम स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, उन्हें हेल्दी कर सकते हैं स्केलेटल मसल्स को। और जो हमारी कार्डियक मसल्स होती हैं, यानी हमारी हार्ट की मसल, इन्हें भी हम हेल्दी बना सकते हैं कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज करके। लेकिन जो हमारी स्मूथ मसल्स होती हैं, स्मूथ मसल्स को हम डायरेक्टली स्ट्रॉन्ग नहीं बना सकते। इन्हें हम स्ट्रॉन्ग तो बना सकते हैं, लेकिन स्मूथ मसल स्ट्रॉन्ग जब ही होगी जब हमारी स्केलेटल मसल स्ट्रॉन्ग होगी और जब हमारी कार्डियक मसल स्ट्रॉन्ग होगी। अगर ये दोनों स्ट्रॉन्ग होंगी तो अल्टीमेटली स्मूथ मसल्स भी आपकी स्ट्रॉन्ग होंगी। ठीक है, तो दोस्तों ये था मसल का क्लासिफिकेशन। मैंने आपको ब्रीफ में सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर भी करें, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और साथ में बेल आइकन को हिट कर दें, ताकि आपको मेरी आने वाली इसी तरह की हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो दोस्तों, मिलते हैं इसी तरह की किसी नई वीडियो में।